जो इसमें स्पेसिफिक हीट है वो एक्चुअल में फिजिक्स का टॉपिक है। लेक्चर नंबर 8, लेक्चर नंबर 8 में हम पढ़ेंगे बेटा एंथैल्पी। क्या पढ़ेंगे? अब ना कोई, अब एकदम पूरा ध्यान से सुनो 10 मिनट, फिर 10 मिनट बाद अपन 10 सेकंड मस्ती करेंगे, फिर पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 8 में हम पढ़ेंगे बेटा एंथैल्पी यानी डेल्टा एच। एंथैल्पी क्या होता है समझो, मजा आएगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक कोई सिस्टम है और ये सिस्टम हम मान के चलेंगे कि ओपन सिस्टम है, ध्यान से सुनिएगा। अब इस सिस्टम को हम देंगे हीट। क्या देंगे? किस तरीके से हीट देंगे? तो हम यहाँ पे देंगे टेम्परेचर, क्योंकि हमको बचपन से ही पता है कि टेम्परेचर डिफरेंस ही होता है हीट। तो सिस्टम को हमने क्या दिया? सिस्टम को अपन ने दिया टेम्परेचर, और टेम्परेचर डिफरेंस होने के वजह से सिस्टम में जनरेट हो गई हीट। क्या जनरेट हो गई? मजा आ गया। कैसे? जब हीट देंगे और यहाँ पर जो लिक्विड है ये बॉइल होगा, और जब लिक्विड बॉइल होगा तो बाहर निकालेगा वेपर, बट ये वेपर कॉन्स्टेंट प्रेशर पर रहेगी, क्योंकि ओपन सिस्टम हो गया, जितनी वेपर बनेगी सब उड़ती जाएगी। यदि आप यहाँ पैक कर दोगे तो वेपर वहाँ रुक जाएगी और वेपर प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन इस कंडीशन में हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। वेपर प्रेशर मतलब प्रेशर हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। यदि यहाँ पे प्रेशर हमेशा कॉन्स्टेंट है और यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी। फिर से सुन लो, इसकी डेफिनेशन भी है अभी एक और तरीके से। ये तो एकदम इजी तरीका हो गया, इसको एक बार और रिपीट करो, फिर मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लूंगा। क्या होता है जब हम किसी कंटेनर या किसी सिस्टम को ओपन सिस्टम लेते हैं? क्या लेते हैं? ओपन सिस्टम लेते हैं और हम यहाँ से टेम्परेचर देना स्टार्ट करते हैं। जब टेम्परेचर देंगे तो समझिएगा, यहाँ वाले का ज़्यादा गर्म है, इधर वाला ठंडा है, इधर वाला ज़्यादा गर्म, इधर वाला ठंडा, इधर टेम्परेचर T1, इधर टेम्परेचर T2, ऐसे करते करते ये टेम्परेचर आगे शिफ्ट होगा। एक्चुअल में जो टेम्परेचर की शिफ्टिंग होती है कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम में, वो होती है हीट। समझ गए? और यदि ये वाली हीट ओपन सिस्टम में है तो इस हीट को हम बोलेंगे एंथैल्पी। क्या बोलेंगे? मतलब कि कांस्टेंट प्रेशर में मेजर की गई हीट एंथैल्पी कहलाती है। कोई तो बोलो। इतने मरे हुए भी मत बोलो। कांस्टेंट प्रेशर में मेजर की गई हीट एंथैल्पी कहलाती है। अब सुनो एक चीज और, जब आप यहां पे टेम्परेचर दे रहे थे ना बेटा, तो यहां पे बहुत सारी एनर्जियां निकल रही थी। अरे हाइड्रोजन, जैसे मान लो पानी है तो बॉन्ड ब्रेकेगा, तो बॉन्ड मतलब जैसे पानी है तो वेपर से मतलब वाटर से वेपर बनाओगे तो क्या हो जाएगा? वेपराइजेशन एनर्जी, सॉलिडेशन एनर्जी, तो बहुत सारी यहाँ पे एनर्जीज रहेंगी। तो ये एनर्जी प्लस इसका प्रेशर प्लस इसका वॉल्यूम भी तो चेंज हुआ, इन सब को यदि आप मिला दो एक साथ तो हो जाएगा एंथैल्पी। मतलब कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, या इसको शॉर्ट में आप ऐसा लिखो डेफिनेशन सीखने के लिए कि एच इक्वल टू ई प्लस पी वी, ये है एंथैल्पी। अब इससे डेफिनेशन एक और बनाओ, एक और डेफिनेशन। एंथैल्पी क्या होता है? तो द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड मल्टी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। देखो यहाँ पे प्लस है तो हमने सम बोल दिया, तो एंथैल्पी को हमने क्या बोल दिया? सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड एंथैल्पी। पढ़ो डेफिनेशन। एंथैल्पी द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम। वी कैन नॉट मेजर द एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम बट वी कैन लुक एट चेंज इन एंथैल्पी। आप कभी भी एंथैल्पी मेजर नहीं करोगे, हमेशा एंथैल्पी का चेंज मेजर करोगे। क्यों चेंज मेजर करोगे? क्योंकि यहां पर देखो चेंज होती रही ना कंटिन्यू, बट वी कैन लुक एट चेंज इन एंथैल्पी। मतलब कि ये हमने लिखा ना जी, लेकिन एक्चुअल में इस फॉर्म में कभी नहीं होती, हमेशा चेंजिंग फॉर्म में रहेगी। तो हो जाएगी क्या अपनी एंथैल्पी? टू मेक लाइफ इजियर विल बी मेक सर्टेन द प्रेशर इज। अब सुनो, ये तो आपको डेफिनेशन तो फार्मूला देख के आ गए, लेकिन जो आपके थ्योरिकल क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना, तो जो मैंने बताया उसी तरीके से सॉल्व होंगे, तो हम एक बार इसको और समझेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो आइए,
चलिए, क्योंकि देखो अपने पूरी जो अपने जो इस चैप्टर में ना बेटा जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ना, तो मैंने बोला था कि दो टॉपिक में भयंकर क्वेश्चन आते हैं। पहला टॉपिक है वर्क, दूसरा है हीट। इन दोनों का हेल्पर है इंटरनल एनर्जी। मतलब यदि आपको इस चैप्टर के तीन टॉपिक कन्फर्म हैं, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी और हीट, कोई चांस नहीं है कि इस चैप्टर से आपके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत होंगे, चाहे वो जेई हो चाहे वो नीट हो। पहली बात तो आपके 11th में इतना हाई लेवल का पढ़ाई मतलब आएगा नहीं, बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ें आती हैं। तो देखो अपने ऊपर, मेरे को पता है यहाँ जितना बच्चा बैठा ना, सारे बच्चों को एंथैल्पी क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई? कि सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, इतना सबको याद है ना। लेकिन हम इसको और अच्छे से जानेंगे। आओ तो देखिए, एच इक्वल टू ई प्लस पी वी। सही, इधर देखो, H इक्वल टू ई प्लस पी वी। एच है बेटा एंथैल्पी, क्या है E, क्या है इंटरनल एनर्जी, क्या है P, क्या है V, क्या है ये दोनों ने बहुत गेम खेले अभी तक, है ना। पी वी इक्वल टू नाटी। चलो आओ समझना मेरी बात ध्यान से, एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी। अब ना सबको वॉल्यूम सबको पता क्या होता है, प्रेशर सबको पता क्या होता है, थोड़ी सी अभी ऊपर ऊपर जान लो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, ऊपर ऊपर जान लो। तो इंटरनल एनर्जी मतलब हमको लगता है कि अंदर की एनर्जी। हाँ तो क्या इंटरनल एनर्जी क्या होती है, एक लाइन में बोलूं, एक लाइन में, सम ऑफ ऑल एनर्जीज। दुनिया में जितनी भी एनर्जी है ना, सबको जोड़ दो, जो बनती है वो इंटरनल एनर्जी होती है। समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूं? क्या बोला? वो क्या होती है? इंटरनल एनर्जी। अब अच्छे से समझो कि अब देखो आपको ये भी हल्का हल्का पता चल गया, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। तो आओ अपन खेलते हैं रिलेशन, फिर से समझो बेटा। आपने एक ले लिया क्या सिस्टम, क्या ले लिया जो कि कैसा है, कैसा है, आपने क्या दिया टेम्परेचर। टेम्परेचर दोगे तो हीट चेंज तो अपने आप हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बनी हीट। जब यहाँ पे टेम्परेचर आप इतना दे दोगे कि यहाँ पे जो मटेरियल है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हो गया, तो क्या बनाएगा वेपर, जो क्या प्रोड्यूस होगी, क्या प्रोड्यूस होगी। आप भरोसा मानो, इनिशियल वॉल्यूम वी था, स्टार्टिंग में वॉल्यूम वी वन था। हाँ चलो देखो इधर, अब मैं क्या बोल रहा कि जैसे यदि अपन बात कर रहे हैं, देखो एंथैल्पी बातें नहीं, डेल्टा एच की बात कर रहे हैं एंथैल्पी की, तो यहां पे क्या होता है एंथैल्पी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस। अब समझिए मजा आएगा। यहां पे देखो जैसे मतलब कि क्या हुआ, जैसे इधर पे वेपर ऊपर जाएगी ना बेटा, जैसे वेपर ऊपर जाएगी तो यहाँ पे प्रेशर तो पक्का कांस्टेंट हो गया, प्रेशर पक्का कांस्टेंट हो गया, लेकिन वॉल्यूम वेरी कर रहा है। क्योंकि आपने जितना स्टार्टिंग में पानी लिया था ना, वेपर बनने के बाद पानी का वॉल्यूम कम हो गया, तो यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम है वो मतलब कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डी वी। समझ गए? तो ये होगा आपका क्या एक्चुअल एंथैल्पी, क्या होगी एंथैल्पी। यहीं से आप इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हो, यदि आपको कहीं फार्मूले में ऐसा लिखा मिल जाए डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डब्लू, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि डब्लू ई क्या होता है। यदि आपको कहीं ऐसा मिल जाए डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई माइनस डेल्टा एन जी आर टी, तो भी कंफ्यूज मत होना, पूछो क्यों, क्योंकि डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है पी डेल्टा बी। डब्ल्यू हमारा होता है डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा बी, और ये होता है डेल्टा एन जी आर टी। क्या होता है एन जी आर टी। तो यहाँ पे देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया। आप W की जगह, W की जगह इसको भी लिख सकते हो, W की जगह मैं जब सिखाऊंगा साइन कन्वर्जन तो बताऊंगा। चलो तो ये बताओ एंथैल्पी क्लियर हुआ कि नहीं,
क्या होता है एंथैल्पी बताओ? इतना काम चल जाएगा। लेकिन जब आपका थ्योरिकल क्वेश्चन आए ना, जब थ्योरी वाले क्वेश्चन आएंगे, तो थ्योरी वाले क्वेश्चन उसी बच्चे के सही होंगे जिस बच्चों को ये थ्योरी क्लियर होगी कि ये कैसे आया। उसी बच्चे के इसके थ्योरी वाले क्वेश्चन न्यूमेरिकल तो सबसे बन जाएंगे, इसके ये कंफर्म है। इसके न्यूमेरिकल बहुत आसान है, एंथैल्पी वाले आसान है। लेकिन आपको थ्योरिकल क्वेश्चन तभी बनेंगे जब आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। मैंने इसीलिए दो बार समझा दिया। आ गया, आप टेम्परेचर दे रहे हो, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है। जब हीट प्रोड्यूस हो रही है तो ऊपर वेपर बन रहा है जो कि कांस्टेंट है। वेपर बनेगा तो पानी का वॉल्यूम कम होगा, तो क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। इसलिए हमने, और इसके अंदर बहुत सारी एनर्जीज होंगी, तो एंथैल्पी क्या होता है, सम ऑफ एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड एंथैल्पी। साइन कन्वर्जन जो है ना, कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा, वो अपने को ऐसे याद रखना है कि कब सिस्टम काम कर रहा है। जब सिस्टम काम करता है तो कैसा हो जाता है, नेगेटिव। जब सिस्टम पे काम होता है तो कैसा हो जाता है, खत्म। कहाँ क्या होगा इंटरनल एनर्जी, तो देखो इंटरनल एनर्जी क्या है, पहले ना इसको समझो। हालांकि समझ में आ गया है, कैसे समझ में आया, जैसे माल मतलब क्या होता है इंटरनल एनर्जी, देखो जैसे मान लो कि मैं एक सिस्टम, मैं क्या हूँ, मैं एक सिस्टम हूँ। अब मेरे सिस्टम में यहाँ से तुम लोगों ने हीट दिया या वर्क दिया, जब यहाँ से कुछ हीट और वर्क दिया ना तुम लोगों ने, तो यहाँ पे कोई ना कोई एनर्जी बनेगी। जैसे मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी बनेगी, वो केमिकल एनर्जी हो, हाइड्रेशन एनर्जी हो, कोई ना कोई यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज बनेगी। इसके बाद इनका प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा, जैसे हमने काम कर दिया या कुछ भी कर दिया, तो इस तरह से जो भी जितनी भी अंदर एनर्जीज हैं वो सारी की सारी एनर्जी क्या हो जाएंगी, हमारी इंटरनल एनर्जी। इसको इस डायग्राम से समझोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ये एक सिस्टम है, ये पिंक कलर है, हाँ ये ऑरेंज कलर एक क्या है, सिस्टम है। ये ऑरेंज कलर क्या है, एक सिस्टम है। आपने क्या दिया, इधर से इनपुट दिया हीट या वर्क। अरे भाई तुम हीट दोगे तो वर्क ही तो दिए, अब वर्क दिए तो हीट ही तो दिए, नहीं तो चेंज कर लो। सुनो अपन ने क्या किया, देखो ना इधर इनपुट क्या दिया, इनपुट में अपन ने दिया यहाँ पे हीट और वर्क इनपुट दिया। जब हीट और वर्क इनपुट दिया तो इस सिस्टम में जो जो भी था, सिस्टम में जो भी था, सिस्टम के अंदर जो जो चीज़ें थी, गैस हो, वैसे नॉर्मली हम थर्मोडायनेमिक में सिस्टम के अंदर गैस मान के चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि नाइट्रोजन है और साथ में ऑक्सीजन है, तो पता है आपको नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड N, O डबल बॉन्ड O, तो यदि इन दोनों को जोड़ के NO बनाना है तो इसको तोड़ना पड़ेगा, तो डिसोसिएशन एनर्जी। और यदि ये मतलब अपना मान लो सॉलिड फॉर्म में कोई होगा तो सॉलिडेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी। तो इस तरह से इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होंगी। तो आओ, जैसे आपने इस सिस्टम को वर्क और ये दिया तो आपको मिलेगी इंटरनल एनर्जी, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यू या ई से। अब इंटरनल एनर्जी इतनी सारी एनर्जीज का सम है, पढ़ो क्या क्या लिखा है। थर्मल एनर्जी मतलब जो गर्म रहेगी, फिर ट्रांसलेशन एनर्जी एक एक मॉलिक्यूल से, फिर रोटेशनल एनर्जी, फिर बाइंडिंग एनर्जी, और भी जितनी एनर्जी होती है पता कौन कौन सी, लो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, डैश डैश, जितनी भी एनर्जीज रहेंगी, इन सारे के सारे एनर्जीज का जो सम होता है वो क्या होता है, हमारा इंटरनल एनर्जी। इधर आप मत जाना, प्रोडक्ट नहीं, बस यहीं पे रहो, यही है इंटरनल एनर्जी, हम यही सीख रहे हैं अभी जी। जैसे आपने इसको हीट वगैरह दोगे तो इन एनर्जी का जो प्रोडक्ट होगा वो हमको आउटपुट मिलेगा, जो भी मिलेगा अपन देख लेंगे। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखिए ना, देखो यहाँ पे एक फार्मूला लिखा हुआ है। क्या लिखा फार्मूला, कि इंटरनल एनर्जी मतलब इक्वल टू है डब्लू प्लस क्यू। क्या है, इक्वल टू डब्लू प्लस क्यू। अब आपको जितना चेंज करना हो तो कर दो, ऐसा लिख दो डेल्टा इक्वल टू डब्लू प्लस डेल्टा एच, ऐसा लिख दो डेल्टा इक्वल टू डब्लू की जगह माइनस पी एक्सटर्नल डी वी प्लस डेल्टा एच, और लिख दो डेल्टा इक्वल टू
माइनस एनसीईआरटी प्लस डेल्टा एच। मतलब कि यदि आप इसको ऐसे कर दो, इधर इसको ऐसे ले आओ तो W हो जाएगा, क्योंकि माइनस का है तो प्लस में आ जाएगा, और इधर जाएगा तो डेल्टा ई और ऐसे सॉरी डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई। तो यहाँ पे साइन कन्वर्जन में बहुत दिमाग मत लगाना। साइन कन्वर्जन तो ऐसा होता है कि अभी यहाँ पे मतलब हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो माइनस है, सिस्टम हम पे काम करेगा, या सिस्टम यदि काम करेगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, समझ गए। तो जो प्लस और माइनस होता है वो डिपेंड करता है कि सिस्टम वर्क कैसे करता है, ये इस पर डिपेंड करेगा। तो हमको लगता है इंटरनल एनर्जी अच्छे समझ में आ गया। क्या होता है इंटरनल एनर्जी बोलो, एक बार पढ़ दो जल्दी से। सारे क्यों नहीं बोलते जी, सो जाओगे फिर अभी। जब हम बोलते हैं ना चीजों को तो हमारा दिमाग एक्टिव होता है, इसे पड़े रहते हो बीमार टाइप के। जल्दी बोलो, अब जो नहीं बोलेगा ना उसको मैं बहुत अभी प्रताड़ित मतलब बेइज्जती करूंगा। चलिए अब देखो ना बेटा, इंटरनल एनर्जी जो होती है हमारी, काइनेटिक एनर्जी 3/2 nRT, हम यहीं से समझेंगे। सुनिए, जो इंटरनल एनर्जी है जो ई है वो क्या है, 3/2 nRT। इसका डेरिवेशन आप फिजिक्स में करोगे, ये कहाँ से आती है, आप इसका डेरिवेशन फिजिक्स में करोगे। तो अब सुनिए एक बात और, पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी, क्या होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो आप ई इक्वल टू 3/2 nRT की जगह लिख सकते हो पीवी, तो आपको ये भी मिल सकता है। और यदि आपने वॉल्यूम एक और प्रेशर एक एटीएम ले लिया, आपने वॉल्यूम भी वन लीटर ले लिया और आपने प्रेशर वन एटीएम ले लिया, तो आपका इंटरनल एनर्जी होगी 3/2। कंडीशन है यदि आपने लीटर कितना ले लिया, वन, और मतलब प्रेशर कितना ले लिया, वन, तो हो जाएगा सिर्फ 3/2। लेकिन यदि आपने मोल ले लिया वन और वॉल्यूम ले लिया वन, तो हमारा देखिए पीवी इक्वल टू एन आर टी, आपने क्या किया, मोल ले लिया वन मोल, वॉल्यूम ले लिया वन लीटर, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा आर टी। तो आपका काइनेटिक एनर्जी था 3/2 p। कहाँ गया ये 3/2 p, के यहाँ पे आप लिख सकते हो ई इक्वल टू 3/2 p के जगह आर टी भी लिख सकते हो। मतलब देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिर्फ एक फार्मूला याद रखो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 nRT। जो आपको डाटा मिलेंगे आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर लेना, है ना, यहाँ कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आइए इंटरनल एनर्जी, अब यहाँ पे